नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और आज की क्लास जो हम लोग एक्सेल ट्यूटोरियल पे शुरू कर रहे हैं, वो क्लास एक्सेल के कुछ एडवांस फंक्शंस की ओर हम लोग ले जा रहे हैं अपनी क्लास को। हम ये मान चल रहे हैं कि इस ट्यूटोरियल में जितनी भी एक्सेल पर हम लोगों ने आपको चीज़ें डिस्कस की, हम लोगों ने वो चीज़ें ऑलरेडी आप लोग सीख चुके हो, और बेसिक से अब हम थोड़ा सा एडवांस चीज़ों के ऊपर हम लोग पढ़ रहे हैं। और इसी पर जो हमारा आज का वीडियो है, वो एक काउंट फंक्शन होता है जो एक्सेल में बहुत ही कॉमन है, बहुत ही पॉपुलर है, और मैक्सिमम लोग इसका बहुत यूज़ करते हैं। अगर एक लेमैन पर्सन कोई भी काम मैनुअल तरीके से करता है, तो उसको किस तरह से हम स्मार्ट तरीके से कर सकते हैं, ऑटोमेटिक और फंक्शन के तरीके से, हमको वही सीखना है। आज हम लोग काउंट फंक्शन सीखेंगे और ये देखेंगे कि कितने तरह के काउंट फंक्शन हमारे पास नॉर्मली होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम लोग काउंट पर फोकस करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि ये पिछली बार की तरह एक टेबल हमने ऑलरेडी आपके लिए बना रखी है, जिसमें 10 लोगों का एक रिजल्ट है, जिसमें 10 नाम लिखे हुए हैं। 10 नाम के आगे इनका मैथ का टेस्ट हुआ था। इस मैथ का टेस्ट में ये लोगों ने इतना इतना नंबर पाया है। इसमें दो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स या तो हम कहें कि अभी तक फाइनल नहीं हुए हैं, या यूं कहा जाए कि इनके मार्क्स अभी चढ़ाए नहीं गए हैं, जो भी कह सकते हैं। तो हमारे पास बेसिकली 8 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स अपडेटेड हैं, तो जिनके मार्क्स अभी तक अपडेटेड नहीं हैं। अब हमको रिपोर्ट बनानी है कि सपोज कितने स्टूडेंट्स ने हमारी एग्जाम को दिया, यानी हमको काउंट करना है स्टूडेंट्स को। तो बेसिकली अगर हम काउंट की बात करें, तो हमारे पास एक्सेल में 3 तरह के काउंट फंक्शन होते हैं, होते और भी, लेकिन 3 जो हैं वो मेजर वाले हैं। देखिए, पहला काउंट, ध्यान रखिएगा, इस काउंट को हम लोग कहते हैं जब हमको टोटल काउंटिंग पता करनी है। इसका कैसे यूज करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले, जैसा मैंने बताया, हर फार्मूले की शुरुआत होती है इक्वल टू से, तो इक्वल टू लगाया। उसके बाद हमने लिखा COUNT, काउंट। जैसा आप देख पा रहे हैं, काउंट बहुत सारे हैं, लेकिन हमें काउंट चाहिए पहला वाला, तो काउंट। फिर टैब दबाएंगे ताकि हम काउंट के अंदर फार्मूले के पहुंच सकें। इसके बाद कहां से कहां तक काउंट चाहिए, यानी हमको यहां से लेकर के और लास्ट तक चाहिए। हमारे पास 10 रिकॉर्ड हैं, लेकिन आपका रिकॉर्ड अगर ज़्यादा बड़ा है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। एंड देन फाइनली हमने ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर कर दिया। देखिए, हमारे पास 8 रिकॉर्ड सामने आ गए हैं, यानी टोटल जितने भी थे उसमें से 8 ऐसे रिकॉर्ड हैं जो फाइनल तैयार हैं। ध्यान रखिएगा, काउंट का फंक्शन सिर्फ और सिर्फ नंबर्स पर होता है। जितने भी रिकॉर्ड पूरे होंगे, काउंट सिर्फ उन पे फंक्शन करता है। अब देखिए, यहाँ पर 2 अलग अलग ऐसे हैं जो ऐसे हैं फंक्शन, ऐसे वैल्यूज हैं जहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है, ब्लैंक है, तो काउंट कभी भी इनको काउंट नहीं करेगा। ठीक है, यानी 10 में से 8 लोगों ने पेपर दिया, या 10 लोगों में से 8 की मार्कशीट तैयार है। नाउ दूसरा फंक्शन देखते हैं, काउंट ए। अब काउंट ए में और काउंट में क्या डिफरेंस है, ये हम देखेंगे यहाँ पर। तो इक्वल टू COUNT ए स्पेस, सॉरी स्पेस नहीं, टैब, देन ठीक वैसे जैसे हमने काउंट शुरू किया था, ये हुआ, एंड देन ब्रैकेट क्लोज, वैल्यू इसकी भी 8 आई। अब दोनों में डिफरेंस देखिएगा क्या होगा। अगर यहाँ पर हमने कोई भी एक वैल्यू लिख दी, सपोज हमने लिख दिया 45, तो दोनों जगह 9 आ गया। लेकिन अगर हमने इस 45 की जगह पर लिख दिया एबसेंट, यानी ये एक ऐसा स्टूडेंट था जो एबसेंट रहा, तो देखिएगा काउंट ने, चूंकि वो नंबर्स पे है इसलिए काउंट ने वैल्यू दिखाया 8, और काउंट ए का मतलब होता है काउंट ऑल, जितने भी रिकॉर्ड होंगे वो सारे रिकॉर्ड को काउंट करेगा। तो पहला हो गया काउंट, जिसने केवल 8 रिकॉर्ड को बताया। दूसरा काउंट ऑल, यानी काउंट ए से शुरू किया, उसने सारे रिकॉर्ड्स को काउंट किया। अब देखते हैं तीसरा, कि कितने ऐसे हैं जो काउंट जो ब्लैंक हैं। तो इक्वल टू COUNT ब्लैंक टैब, कहां से कहां तक, इस सीरीज में पूरी जहां तक आपको लेना है वो ले लिया, एंड देन ब्रैकेट क्लोज, और एंटर करेंगे। तो देखिए, दिखा रहा है कि हमारे पास 2 रिकॉर्ड ऐसे हैं, एक ये रिकॉर्ड और दूसरा रिकॉर्ड ये, जिसमें कोई भी वैल्यू नहीं है, नाइदर टेक्स्ट की और नाइदर न्यूमेरिकल की। तो हमारे पास 2 ब्लैंक हैं। अब अगर इन दोनों में से किसी में भी हम कोई भी वैल्यू लिख देंगे, आइदर टेक्स्ट या नंबर्स, तो जैसे ही उस पर, जैसे मैंने बताया ब्लैंक, तो काउंट वाले में 8 हो जाएगा, काउंट ऑल में 9 हो जाएगा, और काउंट ब्लैंक में 1 बचेगा। ध्यान रखिए दोस्तों, इसमें जितने भी चाहें, सपोज इसके आगे हमने एक हमने और कॉलम यूज कर लिया, और इसमें हमने हिंदी का टेक्स्ट लिया, और उसमें भी हमारे पास फॉर एग्जाम्पल कुछ इस तरह के मार्क्स हैं। ठीक है, अब हमको दोबारा से देखते हैं, इक्वल टू COUNT काउंट,
टैब जो रेंज है वो दे दिया एंड उसके बाद ब्रैकेट क्लोज एंटर 16 रिकॉर्ड, ठीक वैसे रिकॉर्ड है जैसे मैंने आपको पिछली बार दिखाया था। तो पहले 8 थे तो दूना हो गया 16, एक थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ये हमारा हुआ काउंट का। 14 ऐसे रिकॉर्ड हैं इन दोनों कॉलम में जिसमें कुछ वैल्यूज लिखी हुई हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज। इसके बाद अब हम लोगों ने देखा काउंट ए, तो इक्वल टू सी ओ यू एन टी और ए, उसके बाद टैब ब्रैकेट शुरू हो चुका है, फिर हम लोगों ने सीरीज दे दी है दोनों और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब देखिए 14 लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर वैल्यूज उतनी ही हैं। अब मान लेते हैं हमने कुछ लोगों को एबसेंट कर दिया, तो जितनी एबसेंट करते रहेंगे हमारे पास वैल्यूज काउंट ए में बढ़ती रहेगी। एंड देन फाइनली काउंट, अगर हम बात करें ब्लैंक वाले की, काउंट ब्लैंक सी ओ यू एन टी ब्लैंक टैब, दोनों को हमने सीरीज सेलेक्ट कर ली, एंटर एंड देन, तो ये हमारा था काउंट ब्लैंक, यानी 4 ऐसी सेल हैं जिनमें कोई भी वैल्यू नहीं लिखी। तो दोस्तों ये हमारी एक आज की क्लास थी और जिसमें हम लोगों ने काउंट फंक्शन को देखा। होपफुली ये क्लास आपके लिए यूजफुल रहेगी। आप लोगों को से रिक्वेस्ट है कि ये काउंट फंक्शन को अपने एक्सेल में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके देखिए। कोई क्वेरी हो तो काउंट से रिलेटेड तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और इसी तरह के दूसरे टेक्निकल वीडियोस पाने के लिए हमें इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।